आज कौन सा टॉपिक पढ़ना था हमको? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस पे थे अपन, है ना? तो ई गवर्नेंस मतलब शासन की बात करते हैं, है ना? और शासन में हम किसकी बात करते हैं? शासन बात करते हैं हम कौन सा? सुशासन, है ना? हम बात करते हैं तो शासन में मतलब हमारा सीधा सीधा मतलब होता है सुशासन, अच्छा, अच्छी गवर्नेंस देना। ये हमारा जो है मोटो रहता है, हम जो भी पढ़ते हैं उसका, जो भी करते हैं उसका, है ना? तो शासन मतलब क्या समझते हैं आप? शासन क्या है? गवर्नेंस क्या है? मतलब राज्य को चलाने की प्रक्रिया को हम शासन कहेंगे। ये वो प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया सबसे पहले शासन क्या है? तीन क्वेश्चन है यहाँ, क्या है, क्यों है, है ना, और कैसे है। कैसे में हम ये देखेंगे कि सुशासन कैसे है वो, है ना? तो सबसे पहले तो शासन है क्या? जब हम बात करते हैं कि गवर्नेंस, तो गवर्नेंस का मतलब क्या हम समझते हैं? जब हम एंशियंट टाइम से देखते हैं तो एक गवर्नमेंट जो है बनी, सबसे पहले राजा आया, है ना? राजा के बाद उसके मंत्री अधिकारी आए, इसके बाद में राजा माइक दे यहाँ लगा, राजा आया, उसके मंत्री अधिकारी आए, सब आए, तो वो जो पूरा हमने एक तैयार किया ढांचा, वो क्या है? राजा को ऐसे, राजा के पास ऐसा क्या था कि वो जो है शासक कहलाया? शक्तियाँ थी, है ना? तो एक तो शक्ति, और क्या थे उसके पास? कुछ अधिकार थे। आज भी हम अगर बात करें गवर्नेंस, तो जो भी गवर्नमेंट के अंदर है उसके पास पावर है और जो है क्या है, अधिकार है, है ना? ये अधिकार और पावर, तो अधिकार जब हम देखते हैं, शक्ति और पावर, तो इसके साथ क्या आता है? क्यों है ये? हाँ, जब भी हम अधिकार की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको एक अधिकार दिया, तो किसी कारण से दिया होगा, है ना? वो कारण, वो क्या कहलाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी, तो हर अधिकार या शक्ति के साथ क्या आता है? उत्तरदायित्व आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आपकी, है ना? तो शक्ति या अधिकार, अब गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नेंस जो है, उसको उत्तरदायित्व क्या दिया है, है ना? तो वो इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये क्यों है। तो क्या हमने आज की तारीख में हम बात करें, या वो राजा की भी बात करें अगर हम, तो इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में किसी राजा को कुछ उत्तरदायित्व दिए जाते हैं कि ये आपका उत्तरदायित्व है। वो उत्तरदायित्व हमने धर्म रीत उन सबसे दिए, हमने एक स्मृति लिखी, आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उस कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे हमने एक कारण रखा कि गवर्नमेंट जो हम क्रिएट कर रहे हैं, ये जो हम पूरा बना रहे हैं, है ना, तो ये क्यों बना रहे हैं, इसका एक कारण है, है ना? क्यों बना रहे हैं हम? प्रजा के कल्याण के लिए, है ना? तो इसका एक उत्तरदायित्व है क्या? लोक कल्याण। ये लोक कल्याण इसका आंसर है कि क्या शासन क्या है? तो शक्ति और अधिकार इनका एक मंडल है, इनका एक समुच्चय है, है ना? क्यों है? तो एक उत्तरदायित्व लोक कल्याण की को जो है सुनिश्चित करने के लिए ये है। अब तीसरा इसमें क्वेश्चन है कि ये कैसे होगा, कैसे करते हैं ये लोक कल्याण को, कैसे जो है पब्लिक वेलफेयर को, कैसे जो है योजनाओं के द्वारा, तो ये कुछ क्या करते हैं, इसको करने के लिए ये क्या करते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं। अब ये तीन जो जगह हमने देखी, एक तो क्या हमने कुछ पावर और वो दिए उनको, अधिकार दिए, है ना, इसके द्वारा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसको निभाने के लिए क्या दिया, शक्ति और अधिकार दिए। ये शक्ति और अधिकार किस लिए दिए? ताकि पब्लिक वेलफेयर जो है वो हो पाए, और पब्लिक वेलफेयर के लिए ये क्या करते हैं, कुछ पॉलिसीज़ और जो है प्लानिंग करते हैं, ठीक।
ये पूरा शासन। तो शासन क्या हुआ? शासन ये हुआ कि शक्ति और अधिकारों का समुच्चय जो लोक कल्याण को सुनिश्चित करता है और नीतियों और योजनाओं के प्रक्रिया के द्वारा। ये तो हुआ क्या? शासन। अभी इसमें आप देखें कि ये उत्तरदायित्व, शक्ति और अधिकार, लोक कल्याण की ये नीतियाँ और योजनाएँ, ये तीन इसके हम देख रहे हैं पार्ट जो है एक शासन के। अब आप उत्तरदायित्व की अगर बात करें तो उत्तरदायित्व दे दिया हमने किसी को कि ये आपको हमने पावर दी। सबसे पहले हमने एक पावर दे दी किसी को कि ये आपको हमने पावर दी है कि आप क्या कर सकते हैं, बजट अलॉट कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। आप किसी चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, एक फिक्स जो है, जैसे मैं अगर DM हूँ इंदौर का और मुझे क्या किया, मुझे यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की गवर्नमेंट मतलब जो नगर निगम है, नगर निगम ने कहा कि आपको क्या करना है, ये पूरा इंदौर को साफ करना है ना। ये मुझे क्या दे दिया, उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के साथ में उन्होंने मुझे बजट दिया और साथ में ये कहा कि तुम जो भी तुमको डिसीजंस लेने ले सकते हो, उसमें हमारा जो है कोई रोल नहीं रहेगा। मतलब वो हमारा, हम उसमें आपको फ्री हैंड देते हैं। अब मुझे मिल गया फ्री हैंड, अब मैं उसमें क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ ये किस पर डिपेंड करता है, अच्छा करता हूँ बुरा करता हूँ ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। मेरे विवेक पे निर्भर करता है कि मैं जो है, मेरे पास तो पावर है, अब मैं उसका यूज़ करता हूँ या मिसयूज़ करता हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ के जिसने पावर दिया, मेन पावर किसने दिया है, शुरुआत किसने की पावर देने की, सिटीजन्स ने, तो अगर सिटीजन्स को ध्यान देना है कि ये मिसयूज़ कर रहा है, यूज़ कर रहा है पावर का, तो उसको उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी, ये पता करने के लिए कि मैं जो है मिसयूज़ कर रहा हूँ पावर का या यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको क्या चाहिए उसके लिए। उसको पता होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ उसको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि वो इन्फॉर्म रहे, है ना। तो वो इन्फॉर्म रहने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, शासन में पारदर्शिता। तो अगर आपको ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी, तो अगर आपको पता करना है कि कोई अपने पावर का यूज़ कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है, किसी सिटीज़न को ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो वो क्या, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि चल क्या रहा है, आखिर चल जो रहा है उसके कितना बजट अलॉट हुआ था, कौन सा बजट कहाँ लगा है ना, कौन सा जो है डब्बे लगाने में लगा है, डब्बे सच में भी लगे हैं या नहीं लगे हैं, है ना। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन उसको होनी चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता, ठीक। इसके बाद में एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, उनका रोल होना चाहिए। मतलब उनको पता जैसे है, लेकिन कुछ ही लोगों को पता है ना, जो अमीर है उनको पता है, गरीबों को नहीं पता, जो मान लो मेल को पता है, फीमेल को नहीं पता है ना, किसी एक तबके को पता है, दूसरे को नहीं पता, तो सभी को, है ना। तो एक तो पारदर्शिता होनी चाहिए, दूसरा इन्फॉर्मेशन में सभी की भागीदारी होनी चाहिए, इसमें सभी की भागीदारी होना जरूरी है। तो शक्ति और अधिकार जो है इसका मिसयूज़ नहीं होगा। एक तो क्या होगा, पहले से ही जो है उसके ऊपर एक एथिकल वो रहेगा कि यार जो है इनको पता है कि ये मिला है, और किसी ने भी अगर 2 मिनट लगाए, जैसे अगर उसका लालू यादव वाला केस, चारा घोटाला वाला केस अगर देखें, तो उसमें क्या हुआ था चारा घोटाला में, कि चारा घोटाला में ये हुआ था कि उन्होंने जो गौशाला है, गौशाला के लिए चारा पहुँचाने का था मेन, उसमें क्या स्कैम किया उन्होंने कि चारा तो नहीं पहुँचाया, केवल जो है नाम, अब गाय चारा खाई, गाय किसको जाके बताने वाली है कि मैंने चारा खाया कि नहीं खाया, कि चारा खाया मैंने, कि रोटी खा के मैं जिंदा हूँ कि क्या है, है ना। तो उसमें क्या हुआ, कैसे पता लगा, कि जब वो हुआ पूरा ऑडिट हुआ, तो ऑडिट में जो नंबर डले हुए थे उसके गाड़ी के, तो उसमें एक नंबर स्कूटर का निकला, कि स्कूटर पे 2 टन पता नहीं कितना चारा जो है स्कूटर पे चला गया,
वहाँ से वो खुलना शुरू हुआ। तो वो इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है आपको, अगर आपको जो है किसी उस पर जो है मतलब आपको मिसयूज़ होने से बचाना है पावर का, वो इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो क्या, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, और दूसरा कि वो इन्फॉर्मेशन सबके पास हो। तो हमने उसके लिए क्या किया था, पहले RTI एक्ट लेके आए हम 2005 में कि सभी को अगर ये दोनों चीज़ें अगर होनी है तो एक तो सबके लिए 10 रुपये का एप्लीकेशन दो, आप 10 रुपये की एप्लीकेशन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देंगे। तो वो एप्लीकेशन 10 रुपये एक नॉमिनल फ़ीस रखी और वो नॉमिनल फ़ीस के साथ में एक पूरा मैकेनिज्म बनाया उसके थ्रू, और सबके लिए जो है क्या किया, सूचनाएँ उपलब्ध करवाना। और ये क्यों ज़रूरी था, ये इसलिए ज़रूरी था कि ये पावर का मिसयूज़ ना हो। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसके साथ ये है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, दूसरा सबकी भागीदारी ज़रूरी है। दूसरा इसमें जो है कि ये क्यों है, तो लोक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए। अभी लोक कल्याण का मतलब क्या होता है, तो आप देखेंगे लोक कल्याण का मतलब तो ठीक है वो तो हमको समझ में आ जाएगा, लेकिन लोक कल्याण के लिए हम करते क्या हैं, तो लोक कल्याण के लिए करते हैं हम स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, सिंचाई के लिए तालाब बनाते हैं, नहरें बनाते हैं, है ना, राशन पहुंचाते हैं। ये सारा काम हम किसके थ्रू करते हैं, हमारी गवर्नेंस के थ्रू करते हैं ये सारा काम, ठीक। पर पहले जैसे प्लानिंग कमीशन जब था, या प्लानिंग कमीशन सबसे इसका जो है एग्जांपल सबसे अच्छा कौन सा है, जम्मू कश्मीर जो अभी टूटा है जिसमें लद्दाख अलग हुआ, तो लद्दाख वालों के साथ में ये था दिक्कत कि लद्दाख जो है वहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरती, वो जो है क्या है डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे बर्फ़ नहीं गिरती, गिरती भी है तो कम गिरती है, कश्मीर में गिरती है। अब कश्मीर से फंड अलॉट हुआ किसके लिए, छत बनाने के लिए, और छत किस तरह की, छत जो है स्लोपी, स्लोपी क्यों, बर्फ़ गिरेगी तो वो नीचे उतर जाएगी। लद्दाख में स्लोपी छत बनाने का मतलब नहीं है, उनको छत चाहिए होती है कौन से, प्लेन, और प्लेन के साथ में क्या हो कि उसके ऊपर डामर वामर किया हुआ हो, ताकि क्या कि जो हीट रहे वो भी प्रिजर्व रहे उसके अंदर, कि जो है गर्म रहे जगह। अब वहाँ से फंड अलॉट हो जाता स्लोपी वाला, तो अब उनके साथ ये दिक्कत थी कि उनको करना है क्या, उनको प्लेन छत बनानी है, तो ये उनके कंसर्न था कि इस टाइप के एग्जांपल जो है बहुत सारे थे वहाँ पे, तो वो चाहते थे कि हमको अलग कर दो आप, ताकि हम जो है कम से कम हमारे हिसाब से काम करवाएं। तो ये कौन बताता है, पहले प्लानिंग कमीशन था, जैसे प्लानिंग कमीशन के साथ भी क्या था कि ऊपर से वो बोल देते थे कि अब हमको जो है हर गाँव में तालाब बनाने, अब किसी गाँव में पहले से तालाब है, पहले से झीलें बड़ी, अब उसमें जो है बिना बात के एक और तालाब खुद रहा है, और उनको ज़रूरत है सड़क की, है ना। अब ये चीज़ें जो होती है ये पार्ट है लोक कल्याण का, बताएगा कौन, पब्लिक ही बताएगी कि हमको क्या ज़रूरत है। उसके लिए हम पहले कर चुके 73-74 अमेंडमेंट कर चुके हैं हम, कि हम जो है लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करें, विकेंद्रीकरण करें इसका, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करें, बॉटम अप अप्रोच रखें, उसके लिए हमने नीति आयोग भी बना दिया, है ना। तो ये वाला काम किया, लेकिन फिर भी जो है बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे अभी भी इसका बहुत ज़्यादा असर तो फिर भी नहीं पड़ता है ना, जो हमने बनाया तो हमने सरपंच जो रखे उन तक किसकी पहुँच है किसकी नहीं है ये नहीं पता है। लेकिन आज अगर हमको किसी चीज़ की ज़रूरत है और हम सरकार को बता पाएँ कि हमको ये वाली चीज़ की ज़रूरत है, आप ये हमको तालाब की ज़रूरत है, सड़क की ज़रूरत नहीं है, सड़क हमारे यहाँ पहले से है, या हमको सड़क की ज़रूरत है, तालाब हमारे यहाँ पहले से, आप तालाब मत बनवाओ, ये अगर आपको बताना हो तो आपके पास कोई ऐसी जगह होनी चाहिए ना कि यहाँ पे हम रिड्रेसल का मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक। तो ये कौन बताता है, ये सिटीजन बताता है। तो इसके लिए आपको क्या है कि शासन में जो पब्लिक है, जनता है की भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, है ना। वो बता पाए कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमको स्कूल की बिल्डिंग की ज़रूरत है, हमारे स्कूल में टॉयलेट नहीं है लड़कियों के लिए, इसलिए लड़कियां नहीं आ पा रही है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो एक मीडिया पहले था, है ना, अभी तक कौन काम करता है, ये मीडिया करता है काम आपका, है ना, आपकी बात पहुँचाने का, या आपके जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो करते हैं, वो वहाँ क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है ये स्कूल थे, अभी तक जो है इसमें टॉयलेट नहीं बना, क्यों नहीं बना, आप बताओ। ये वाला काम अभी तक कौन कर रहे हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स कर रहे हैं या फिर मीडिया कर रहा है। तो ये दो इसमें जो है अभी स्टेक होल्डर थे पहले। तीसरा क्या होता है, नीतियाँ और योजनाएँ बनाना। इसमें भी एक तो किनका, जो जनता होती है, सिटीजन्स होती है, इनकी जो है भागीदारी होनी ज़रूरी है ना। और क्या, इसके अलावा नीतियाँ और योजनाएँ बनाने के लिए
जो बजटिंग होती है, बजटिंग के अलावा और क्या होता है इसमें, मॉनिटरिंग होती है ना। पहले हमने क्या किया, नीतियाँ बना ली, अब उसको जो है हम उसकी एप्लीकेशन शुरू हुआ, जब एप्लीकेशन शुरू हुआ उस टाइम पे उसकी मॉनिटरिंग अगर होती रही कि यार बीच में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसकी मॉनिटरिंग चल रही है, वो कौन कर रहा है ना, तो वो अगर जनता कर रही है तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स कर रहे हैं अगर, तो वो क्या होगा वहाँ पे करप्शन नहीं होगा। अगर करप्शन दोनों जगह नहीं होगा, एक तो पैसे की जगह भी नहीं होगा, दूसरा कोई काम में भी जो है वो नहीं करेगा, लेट लतीफ़ी नहीं करेगा। अब ये सारी मॉनिटरिंग की जो चीज़ें हैं ये तो इसके इसमें क्या, एक तो नीतियाँ और योजनाओं में एक तो बनाना, दूसरा जब बन गई और उसको क्रियान्वित कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पर उसकी मॉनिटरिंग करना, निगरानी रखना उसकी। तो ये है सुशासन के एस्पेक्ट है ना, और उस वो आपको अगर चाहिए कि ये जो है हमारे जो गुड गवर्नेंस है वो हमारे यहाँ पे हो, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। क्या एक ट्रांसपेरेंसी हो, एक सबको जो है समान जो है अधिकार मिले कि हम उसमें गवर्नेंस में शामिल रहें, केवल वोटिंग तक ही नहीं सीमित रहें, वोटिंग के बाद भी हम उसमें शामिल हो जाएं, इसके अलावा जो पॉलिसीज़ और आप बनाए पॉलिसीज़ प्लानिंग करें तो उसमें जो है हमारी आप मत लें है ना, कि वो प्लानिंग जो है वो सही है नहीं है ये सब। इसके बाद में मॉनिटरिंग जब वो जब योजनाएँ क्रियान्वित हो तो उस टाइम पर हम मॉनिटरिंग कर पाएँ, और मॉनिटरिंग में कुछ गलत हो तो हम भी जो है उसके अंदर अपना योगदान दे पाएँ कि यार ये सही हो रहा है गलत हो रहा है। जैसे आज इंदौर में आप जो सफाई का चल रहा है, तो इंदौर में एक ऐप बनाई हुई है कि आपके यहाँ अगर गंदगी हो तो आप फ़ोटो खींच के भेज दो उनके पास, वो जो है या तो तुरंत साफ़ करेंगे और उस जगह पे जिसके जो रिस्पॉन्सिबल है उस जगह को साफ़ करने का उससे बात करेंगे, भैया क्यों साफ़ नहीं है। ये मॉनिटरिंग का पार्ट है। अब ये सारी चीज़ें जो आज हो पा रही है ना, ट्रांसपेरेंसी किसके थ्रू, आपके जैसे माई गोव एप्लीकेशन है, सी विजिल वो उसने जो इसने इलेक्शन कमीशन ने जो है विजिलेंस के लिए बनाया हुआ है ना, ये सारा काम ट्रांसपेरेंसी जो आ रही है, ये ट्रांसपेरेंसी में ई गवर्नेंस काम आ सकता है ना, ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करने के लिए सभी की भागीदारी सुनिश्चित करनी हो। मतलब आज मैं विधायक के पास जा रहा हूँ अगर मेरी अप्रोच है तो है ना, लेकिन मुझे डायरेक्ट बात करनी है गवर्नमेंट से, मुझे डायरेक्ट पीएम तक बात पहुंचानी है, तो मैंने क्या किया, ट्विटर से पीएम को किया टेक किया और मेरी बात लिख दी, बात पहुंच गई। अब वो जब पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद जवाब देंगे। पहले वो थी जैसे अपनी विदेश मंत्री थी, क्या नाम उनका, हाँ विदेश मंत्री जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी, वो जो चली गई अब डेथ हो गई इनकी, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज को पहले जो है बाहर से ट्वीट करते थे कि हम यहाँ पे फंसे हुए हैं हमको निकाल दो, तो वो तुरंत जवाब देती कि रुको अभी मैं कुछ करती हूँ है ना। तो ये कैसे हुआ, ये ई गवर्नेंस के थ्रू हुआ है ना। ये क्या हुआ, आपने टेक्नोलॉजी यूज़ करी, आपने सूचना प्रौद्योगिकी यूज़ करी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की, उससे आप जो है गुड गवर्नेंस को प्रोवाइड करवा रहे हो। तो ये सभी की भागीदारी सुनिश्चित हुई और सभी की जो है दिक्कतों का रिड्रेसल हुआ है ना, पहुंच आपकी सभी की पहुंच गवर्नेंस तक। इसके बाद में जनता की भागीदारी, आज क्या होता है जो माई गोव ऐप है आपकी, उसके ऊपर क्या करते हैं, वो ड्राफ्ट डाल देते हैं अपने, जो अगला बिल आने वाला है उसका ड्राफ्ट डाल दिया, फिर पूछते हैं कि इसमें आपके कोई सजेशंस हो तो दो। रुपए का जो वो आया है साइन, वो कैसे आया है कि उन्होंने उसके ऊपर डाला था कि हम जो है इसका हम चाहते हैं जैसे डॉलर का एक साइन है वैसे हमारे रुपए का भी साइन हो, तो आप बना बना के भेजो अपने, सब ने भेजे, उनमें से एक उन्होंने चुन लिया। कोई लोगो उनको बनवाना होता है कि हमारे जो है ये इसका योगा डे का लोगो बनवाना है हमको, तो आप जो है अपने अपने लोगो बना के भेजो, हम उसमें से एक चूज़ कर लेंगे। आपको उसकी थीम, उनको थीम बनवानी होती है तो वो थीम जो है वो आप लिख के भेजो, उसमें से जो हमको पसंद आएगा वो हम कर लेंगे। ये सब कैसे हो पा रहा है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब ई गवर्नेंस का जो है एप्लीकेशन है। तो जनता की भागीदारी आपको सुनिश्चित हुई इससे ई गवर्नेंस के थ्रू, और लास्ट मॉनिटरिंग अगर आपको करनी है या निगरानी रखनी है उसके ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर निगरानी रखनी है, तो अब क्या, और जैसे मैंने आपको अभी बताया था वो इंदौर में एप्लीकेशन है, आप फ़ोटो खींच के भेज दोगे यहाँ पे गंदगी है, या तो फिर नीति आयोग जब इसका होता है पूरा इंडेक्स वो निकालता है कि स्वच्छ भारत अभियान का, तो उस टाइम पे क्या है आपको बटन दबाना होता है कि हमारा शहर जो है वो अच्छा है, हमारा शहर साफ़ है। गंदा होगा तो आप बोलोगे कि गंदा है ये, साफ़ नहीं है, यहाँ यहाँ पर गंदगी है, इसलिए आप इनको मत दो अब,
आप जो अवॉर्ड करते हैं वो मत दो इनको, है ना। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा क्या और क्या होता है मॉनिटरिंग में, कि जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था हमने कि भुवन, हमने जैसे एक ऐप बनाया, भुवन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, भुवन के थ्रू जो जितने भी हमारे यहाँ पे प्लॉट्स है उन प्लॉट्स का हम क्या कर रहे हैं, एक नक्शा बना ले रहे हैं। वो नक्शा जो है वो परमानेंट आपके पास में सेव हो गया। अब उसमें कोई पटवारी कुछ नहीं कर सकता है, चाहे जो हो जाए, है ना, वो फिक्स हो चुका है। क्योंकि उसमें क्या हुआ, हमने ये उसको हमने एक जगह सेव कर लिया है कि अब जो है यहाँ पे है, अब वो जो है मैनुअल नहीं रहा, ऑटोमेटिक हो गई वो सारी चीज़ें। तो जब हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, गवर्नेंस में ये सारी चीज़ें आती है। अब ये सारी चीज़ों को जो है अगर आपको बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो उसमें किस तरह से इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हम, उसको हम बोलते हैं क्या, ई गवर्नेंस। ठीक, तो इसमें अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा कि गवर्नेंस क्या है, है ना, गवर्नेंस क्या है, क्यों है, कैसे है, और इन तीनों जगह पे किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, और इसके थ्रू हम कैसे गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक, सुशासन कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं, तो ये पूरा इसका एक, तो इसको हटा दूँ मैं अभी। इसके बाद में जो गवर्नेंस होती है ना, जो सुशासन है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ऐसी लगती है जो रोकती है उसको, किसी सुशासन को कौन सी चीज़ें ऐसी है जो रोक रही है, कि कहीं पे अच्छा गवर्नेंस हो तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें आप ये बोल पाएंगे कि यार ये वाली चीज़ अगर हम हटा दें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सबसे पहला आपका करप्शन ही हो गया, है ना, भ्रष्टाचार। दूसरा, हाँ, कम्युनिकेशन गैप, है ना, तो क्या इसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन, हाँ, पहुंच का अभाव बोल सकते हैं ना, तो पहुंच का अभाव। और लोग भागीदारी नहीं कर रहे हैं, मतलब सिटीजन्स के सामने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप नहीं है, है ना। तो उत्तरदायी सिविल नागरिक समाज का अभाव, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सोसाइटी का, सिविल सोसाइटी का जो है वो अभाव। इसके अलावा और रिसोर्सेज का अभाव, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, है ना, तो रिसोर्सेज संसाधन, संसाधनों का अभाव। और मतलब वो जैसे वो सोसाइटी की वो हो गई, उसमें जो है गवर्नमेंट का रोल नहीं है, वो उनकी सोसाइटी की दिक्कत है। शासन का मतलब ये नहीं है कि वो जो है उनके सोशल नॉर्म्स को जो है किसी तरह से अल्टर करे, है ना। शासन का मतलब है कि वो उनको एम्पावर करे कि वो खुद से जो है इस मामले में, जैसे विवेकानंद ने कहा है, विवेकानंद का कोट है कि आप स्त्री सुधार की तरफ ध्यान देते हैं, पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्त्री यही सुधार चाहती है। पहले आप जो है उसको एजुकेट करो, वुमेंस को आप एजुकेट करो, फिर वो खुद कहेगी कि हमको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आप मत बोलो कि आपको क्या राइट्स चाहिए, उनको क्या राइट्स चाहिए, वो बोलेंगे कि हमको क्या राइट्स चाहिए, आप वो प्रोवाइड करवाओ,
और उसके लिए ये ज़रूरी है कि उनको इस बात की समझ होगी हमारे क्या राइट्स है या हमको किस चीज़ की ज़रूरत है। एक दूसरा, उनके पास ये पावर हो बोलने की, उनकी आवाज़ इतनी तेज़ हो कि वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। उन दोनों के लिए क्या ज़रूरी है, उनकी एजुकेशन। तो हम अगर बात करें कि हमको, तो उसके लिए हमको ये है कि एजुकेशन पहुँचाना गवर्नेंस का है, लेकिन तीन तलाक या ये सारे मामले हैं तो ये गवर्नमेंट का मामला नहीं है, ये जो है ये मामला अलग है, मतलब ये सोसाइटी का मामला है। और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि उसके लिए ज़रूरी वो है कि जिसके वो राइट्स वो अलर्ट हो रहे हैं वो एम्पावर हो, वो एम्पावर होंगे, वो अगर जितनी ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा ज़ोर से उनकी बात सुनी जाएगी। तो इसके लिए ये चीज़ थोड़ी सी इससे अलग हो जाती है। एजुकेशन इसमें आ सकता है, एजुकेशन इसमें आ सकता है। तो इसमें जो है कैसे वो जो है हमको वो करता है ना, तो हमने जो ये बोला कि उत्तरदायी नागरिक समाज का अभाव है ना, उसमें आ जाएगा ये कि वो उत्तरदायी अपने आप हो जाएंगे अगर वो एजुकेटेड होंगे, तो उनको पता होगा कि ये हमारी ये राइट है तो वो एजुकेट होंगे। इसके अलावा इसमें ये भी आ जाएगा कि हम टैक्स पेयर टैक्स जो है हम उसको बहुत ज़्यादा जो है इवेट करने की कोशिश करते हैं कि हम ये इस तरह से टैक्स नहीं दें, उस तरह से टैक्स नहीं दें, ये बचा लें वो बचा लें, है ना। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी और उसमें भी हम जो है ई गवर्नेंस का रोल आ जाता है हमारे सामने। दो तरह से आता है, एक तो क्या करते हैं वो आजकल के जो भी डिफॉल्टर्स होते हैं उसके नाम सामने रख देते हैं कि ये डिफॉल्टर्स है। दूसरा ये है कि जो अच्छा काम करते हैं, जैसे कपिल शर्मा ने बहुत ज़्यादा वो दिया था, टैक्स दिया था, सबसे ज़्यादा टैक्स दिया था, तो उसका नाम सबके सामने रखा कि ये जो है सबसे अच्छा टैक्स पेयर है कंट्री का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाने का काम आपका क्या है, ई गवर्नेंस के थ्रू ही हो रहा है। तो उसमें दोनों चीज़ें, आपको गाजर भी खिलाने का काम और डंडा मारने का काम, दोनों जो है ई गवर्नेंस के थ्रू हो रहे हैं। तो जब आप लिखते जाएंगे तो ये एग्जांपल्स आपके दिमाग में आते जाएंगे, है ना। और क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे ई गवर्नेंस या गवर्नेंस को किस तरह से अब ये क्या है ना कि ये थोड़ी सी समस्या ये है इसमें कि हम स्कीम कभी जो है बंद नहीं करते। हमारे शुरू से लेके आज तक हम देखेंगे तो हमने कोई सी भी गवर्नमेंट आई हो हमने गुड गवर्नेंस के ऊपर ही ध्यान दिया, भले वो कांग्रेस हो या भले वो बीजेपी हो, और इनकी प्लानिंग सेम रहती है, बस ये नाम बदल देते हैं, नाम बदल के नई योजना चला देते हैं, इनका केवल इतना सिस्टम है। तो उसमें ये है कि इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो कोई भी अगर अच्छा लोकतंत्र है तो वहाँ पे रहेगी, उसका कुछ नहीं कर सकते। और वो खासकर अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो वो तो सबसे ज़्यादा मैच्योरी तब मानी जाती है जब वहाँ पे इंस्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती। हम सबसे ज़्यादा अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मैच्योर्ड मानते हैं तो कहाँ पे, ब्रिटेन से हमने ली है। और आज देखेंगे सबसे ज़्यादा वहाँ पे कितने पीएम बदल गए, एक ही पार्टी के अंदर जो है पीएम बदलते जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मैच्योर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की विशेषता है, वो उसकी कैरेक्टर है, वो उसका हम जो है कोई कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी जो है वो ड्रॉबैक है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, ये है वो उसमें मामला। जब आप उसमें जाएंगे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में, तो प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी आपको स्टेबिलिटी देती है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो आपको क्या देती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देती है। तो वो उसकी जो है वो है, मतलब वहाँ पे वो वहाँ की जो पार्लियामेंट है जो यूएसए की, वो पार्लियामेंट, वो उसको राष्ट्रपति को हटाना है तो एक लंबा प्रोसेस उसको अपनाना पड़ेगा, है ना। हमारे यहाँ पे हटाना है तो केवल एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया और हटा दिया। तो हाँ, तो वो स्टेबिलिटी देता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, तो ये दोनों में वो कैरेक्टर है उनका, हमारी डेमोक्रेसी जो हमने अपनाई उसका, तो उसका हम जो है एग्जांपल नहीं लिख सकते। ये इसके अलावा एक चीज़ और होती है क्या, कि सिटीजन्स के ऊपर अंदर जो है वो गवर्नमेंट को लेके ये होता है अविश्वास की भावना होती है, ट्रस्ट नहीं होता क्या, जो गवर्नमेंट जो कर रही है वो हमारे लिए कर रही है, उनको ऐसा लगता है ये सब नेता अपने लिए कर रहे हैं, हमको इस पर ध्यान नहीं देना, हम अपना कमाओ खाओ अपनी ज़िंदगी जियो ज़्यादा जो है वो। तो जो अविश्वास की भावना है इसमें थोड़ा सा आपका छूट गया है, आपका थोड़ा सा जो शुरुआत वाला है ना वो थोड़ा इम्पोर्टेंट था, वो आपका छूट गया, वो आप या तो देख लेना, है ना उसमें। तो ये अविश्वास की भावना, अब ये वाली, ये सारे जो हमने देखे कि जो सुशासन में जो बाधाएं हैं, सुशासन में के समक्ष
बाधाएं, अब करप्शन है उसको आप ई गवर्नेंस के थ्रू ठीक कर सकते हैं, है ना। कैसे? आप पारदर्शिता लेके आएंगे तो अपने आप ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू क्या होगा, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। जो कम्युनिकेशन का गैप है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, वो भी ख़त्म हो जाता है। उत्तरदायी नागरिक समाज का अभाव, ये जो है कि आपको रिस्पॉन्सिबल सिविल सोसाइटी आपके यहाँ नहीं है, अब आपको ये चीज़ करनी है, ये रिस्पॉन्सिबल, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा पब्लिक को। मीडिया ये रोल निभाता है, सोशल मीडिया अब निभाने लगा, वो एजुकेट करता है, वो ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट भी जो है इसमें काम करती है। जैसे आप देखेंगे क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल साइट्स होती है उसके अंदर वो जब चुनाव आते हैं तो वो लिखते हैं आप मतदान करो, है ना। वो महिलाओं को लेके कुछ बात लिखते हैं, कभी कोई बड़ा जो है किसी हमारे अगर कोई बड़ा नेता है उसकी कोई पुण्यतिथि आई तो उसमें जो है कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि इन्होंने क्या अच्छा किया, क्या ख़राब किया, आपको कैसे सपोर्ट करना चाहिए, कैसे उन चीज़ों से सीखना चाहिए। रानी गेडुनलू का आया था अभी बीच में, तो उसमें जो है मोदी जी ने कुछ लिखा, तो ये सारा जो एजुकेट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे सिविल सोसाइटी जो है उसको हम एजुकेट करके और उसको रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। तो गवर्नमेंट एजुकेट करने का रोल निभा रही है, तो ये इस तरह से हम ई गवर्नेंस के थ्रू सबको पहुँचा रहे हैं, तो ये भी इसमें हो जाता है। संसाधनों का अभाव, कैसे हम जो है इससे डील करते हैं संसाधनों के अभाव से, तो वो ऐसा उसमें दो चीज़ें आपके आपको दिखेगी। एक तो क्या है, इसके हमारे पास रिसोर्सेस कम नहीं है, हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम रिसोर्सेस को ठीक से यूज़ नहीं कर पाते, है ना, ठीक से यूज़ नहीं कर पाते। या जैसे आपने गेहूं खरीदा, गेहूं सड़ गया आपका, ठीक, पड़ा पड़ा, आपने क्या किया, माइनिंग की किसी चीज़ की, अब वो माइनिंग तो हो गई लेकिन उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो गया, वो वेस्टेज जो है वो आप वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा आपने क्या किया, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे उसमें था कोयला घोटाला जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे, जो उस टाइम पे हुआ था यूपीए के गवर्नमेंट के टाइम पे, तो वहाँ क्या दिक्कत थी कि एक बाल्टी बनाने वाली कंपनी को क्या किया, कोयले की माइनिंग का ठेका दे दिया, उसने क्या किया किसी दूसरे को दे दिया जो कोल माइनिंग करता है, उसी को ऊपर का कट अपने पास रख लिया। अब ये काम उस टाइम पे कौन कर रहा था, केक कर रहा था, है ना। लेकिन जब ई गवर्नेंस आ गया तो जिसको भी ठेका मिला है उस कंपनी का नाम कहाँ जाएगा, वेबसाइट पे चला जाएगा, और वेबसाइट पे जाते ही क्या होगा, पता चल जाएगा कि यार किसको दिया, किसको दे दिया, ये कर भी रही है कि नहीं कर रही है। तो इससे क्या हुआ, संसाधनों का एक तो उचित वितरण हुआ, और दूसरा जो है वेस्टेज जो हो रहा है वो कम हो गया। इसके बाद में रिसाइकलिंग करनी है आपको, जो हमारे यहाँ पे वेस्टेज निकला उसकी रिसाइकलिंग करनी है आपको। अब वो रिसाइकलिंग जो है वो आपको एक जगह पहुँचानी है कि यहाँ पे वो जो है पॉइंट है, इस जगह पे आप जो है अपना वो रख के चला जाओ, जो भी भंगार है यहाँ से हम उठा के ले जाएंगे। वो गूगल मैप के थ्रू हम कर सकते हैं, गूगल मैप के थ्रू वो बना दी एक जगह जहाँ पे वेस्टेज पॉइंट है हमारा, वहाँ पे जाके आपने डाल दिया कि आपको लोहा अगर डालना है तो यहाँ पे डालो, आपका एल्यूमिनियम का वेस्टेज है तो यहाँ पे डालो। अब ये सारा ये तरीका अपना सकते हैं, है ना। तो ये संसाधनों का अभाव जो है इसको ख़त्म इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे संसाधनों का एक और अभाव जो छोटा जो है, एक और एग्जांपल है कि केजरीवाल सरकार ने जैसे किया, केजरीवाल सरकार ने क्या किया कि अपने यहाँ पे जब वो उन्होंने दवा फ्री बांटनी शुरू की, तो कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं उनके यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा वो है, बहुत ज़्यादा चलते हैं, जैसे हिंदू राव है, और हिंदू राव के अलावा सफदरजंग है, ये सब कुछ ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल जो है बहुत कम फ्लो है उसका। तो अब क्या है, वहाँ पे दवाइयाँ रखी हुई है ख़राब हो रही है और दूसरी जगह पे उसकी ज़रूरत है। अभी इन्होंने क्या किया कि ऐसा मेकेनिज़म बना दिया कि जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से पता चल जाए कि यार हिंदू राव को ज़रूरत है, हिंदू राव को पहुँचा दो, और तुरंत जो है उसकी लिखा पड़ी हुई और काम ख़त्म हो गया, है ना। तो इस तरह से क्या, संसाधनों का अभाव जो है वो हम ख़त्म कर सकते हैं। क्या, कैसे, संसाधनों का उचित वितरण करके, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक करके। और अविश्वास की भावना अगर है सिटीजन्स के अंदर तो वो भी कैसे होगी, अगर वो वेल इन्फॉर्म्ड होगा तो क्या होगा कि जो भी उसके मन में डाउट क्रिएट होते हैं वो डाउट नहीं आ पाएंगे, या आए भी हैं
तो वो तुरंत जो है वो अपने इधर उधर जाके इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अब इंटरनेट पे कि यार जो है मोदी जी अभी क्या कर रहे हैं, हमारा जो है कोई जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे उस टाइम पे ज़रूरत थी, तो उस टाइम पे इन्होंने यही चलाया था, यही प्रोसेस रखा था कि यार जहाँ पे ज़्यादा हो रखा है उसको जो है दूसरी जगह पहुँचाओ। तो अब ये है कि यार वहाँ पता है कि सच में ख़त्म है, तो आपके जो है एक जो मिसट्रस्ट वाला जो चीज़ है वो चली जाती है। तो अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड होंगे तो उससे क्या होगा, आप गवर्नमेंट के ऊपर आपको ट्रस्ट होगा, गवर्नमेंट के ऊपर आपको ट्रस्ट होगा तो आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाएंगे अपने आप, है ना। और दूसरी बात कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र में भागीदारी करना फिर शुरू करेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेसी में, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट में। तो इस तरह से जितने भी इसमें जो है आपकी बाधाएं हैं, ये सारी बाधाएं आपको ई गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसके थ्रू आप दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से ई गवर्नेंस का पूरा जो सिस्टम है, ई गवर्नेंस जो है वो पूरे हमारे गवर्नमेंट के गवर्नेंस का जो हमारा मतलब जो वो है जिसलिए हमने बनाया है गवर्नेंस, जिसके लिए हमने गवर्नमेंट को खड़ा किया है, वो पूरा करने में हमारा जो है सहायता करता है, हमारी हेल्प करता है, ठीक। तो ई गवर्नेंस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको लिखने जाना है तो आपको ये समझ होनी ज़रूरी है कि होता क्या है गवर्नेंस, है ना। ये समझ में आपको आ गया तो फिर आपके दिमाग में बहुत एग्जांपल्स आएंगे, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जो उससे जुड़ी हुई है, ठीक। अब इसमें मोबाइल भी है, इसमें इंटरनेट भी है, ठीक, इसमें आपकी गवर्नमेंट भी है, ये तीन चीज़ें मिलती है, तीनों चीज़ें मिलकर किसका काम, किसके लिए काम करती है आपका, मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और गवर्नमेंट, ये तीन चीज़ें मिली, ये तीन चीज़ें सिटीजन्स के लिए काम करती है। और इसके इसमें आपको जितने एग्जांपल, जेम ट्रिनिटी, जेम ट्रिनिटी जानते हैं आप, जनधन, आधार, मोबाइल, ये तीनों क्या ई गवर्नेंस का जो है एक एग्जांपल है। तो बड़े बड़े एग्जांपल, छोटे एग्जांपल सारे आपको लिखने हैं। जेम ट्रिनिटी ने पूरा ढांचा ही बदल दिया भ्रष्टाचार पूरी ख़त्म करने में, आपका जो है जैसे पहले ये होता था कि यूरिया जो है वो एक्स्ट्रा जा रहा है, जाया जा रहा है, वो ख़राब हो रहा है ना, जेम ट्रिनिटी ने ये काम। इसके अलावा उसने क्या किया कि लोगों को ये समावेशी जो होता है, मतलब क्या बोलते हैं, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना, तो वित्तीय समावेशन का काम किया। ऐसे ऐसे गांव-गांव के लोगों के पास अब क्या हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू पैसा जा रहा है। ये किसका एग्जांपल है, ये भी ई गवर्नेंस का एग्जांपल है। कोविड से हम क्यों लड़ पाए, क्योंकि हमारे पास में जेम ट्रिनिटी था, हम पहले से जनधन, आधार और मोबाइल को लिंक कर चुके थे। आपकी जनधन खाता आपके पास है, उससे आपका आधार लिंक्ड है, उससे आपका आधार में सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका मोबाइल उससे लिंक्ड है। तीनों चीज़ों ने मिलकर क्या किया कि उस टाइम पे जब ज़रूरत थी पैसे की तो गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर पाई। आज जैसे हमने जो लाडली बहना योजना एमपी में चल रही है, तो लाडली बहना योजना में जो पैसा भेज रहे हैं, पहले इस बीच में बहुत भ्रष्टाचार हो जाता था, अब उसकी जो है गुंजाइश कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे पास में एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो डायरेक्ट किसको, सिटीजन को किससे जोड़ देता है, गवर्नमेंट से। तो ये सारी उसके बीच में जितनी बाधाएँ हैं, ये सारी गवर्नमेंट क्या है, वो गवर्नमेंट जो है वो ये सब मिलके, ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है इसने क्या किया है, ड्रास्टिक चेंज कर दिया है हमारे रिड्रेसल मैकेनिज्म में भी। इसके अलावा जो हम भेज गवर्नमेंट के जो प्लानिंग में, इसके अलावा गवर्नमेंट की प्लानिंग के अलावा प्लानिंग में रोल जो सिटीजन्स का हो सकता है उसमें, आपको ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, है ना, आपको ट्रांसपेरेंसी लाने में, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और आप जो बोल रहे थे कि उसका एक हम इस तरह से पढ़ें कि पहले इंट्रोडक्शन का कुछ हो जाए, मेन बॉडी का हो जाए, कंक्लूजन का हो जाए, तो आज जो हमने पढ़ा वो उसी टाइप से हमने कंप्लीट पढ़ा। अब इसमें आपको इससे जुड़ा हुआ, मोबाइल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए, है ना, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से उसको डील करेंगे, है ना। तो गवर्नेंस समझ लिया हमने, रोल समझ लिया हमने, इसमें कहीं कोई डाउट है पूरे इसमें, नहीं। अब इसका आप जो है आंसर लिखना है। इसमें इंट्रोडक्शन तो हम समझ ही चुके, मेन बॉडी आपकी और कंक्लूजन आप क्या लिखते हैं वो देखने पे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ आया है आज, है ना, क्लास में। तो आज ये इस पे ख़त्म करें, फिर अगले क्लास में हम फिर इसी तरह से पूरा एक जो है ऐसे का फॉर्मेट ही बना लेंगे कि इस तरह से हम कोई क्वेश्चन आता है तो ऐसे डील करना है ना।